नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज, मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बिहार में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। आपको बता दें कि कोविड काल में लोकतंत्र का ये पर्व मनाया गया, तो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जहां एनडीए ने 125 सीट पाकर बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाई, तो वहीं महागठबंधन 110 सीट पाकर वहीं सिमट कर रह गया। लेकिन इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में अगर बात करें तो रोजगार के मुद्दे पर काफी ज्यादा सियासत हुई। जहां एनडीए ने कहा कि वो 19 लाख नौकरियां देंगे, तो वहीं महागठबंधन भी पीछे नहीं रहा। महागठबंधन ने भी कहा था कि 10 लाख नौकरी सरकार में आने के बाद महागठबंधन भी प्रस्ताव देगी, 10 लाख नौकरी पारित करेगी। लेकिन अगर बात करें तो बिहार में अब एनडीए की सरकार है। 19 लाख नौकरी की बात कही गई थी, लेकिन अब भी अगर रोजगार की बात करें तो बिहार में घमासान छिड़ा हुआ है। अगर हम बात करें तो बिहार में अब भी रोजगार को लेकर बवाल छिड़ा हुआ है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि इस बवाल को अब पटना हाई कोर्ट ने बड़े ही गंभीरता से लिया है। आपको बता दें कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में रोजगार के मुद्दे पर काफी सियासत तो हुई, तो वहीं लगभग बड़े पैमाने पर शिक्षकों के रिक्त पदों पर अब तक नहीं भरे जाने पर अब पटना हाई कोर्ट ने नीतीश सरकार की परेशानी को बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि इस पर नीतीश सरकार की काफी परेशानी बढ़ गई है। आपको बताएं कि जस्टिस ए अमानुल्लाह ने याचिकाकर्ता देवेंद्र पासवान और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को 8 जनवरी 2021 तक जवाब देने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि राज्य में सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों में लगभग 34,000 शिक्षकों की जो पद है वो खाली है, वो रिक्त है, जिसको अब तक नहीं भरा गया है। साथ ही साथ आपको हम बता दें कि इन मामलों पर अगली सुनवाई 8 दिसंबर 2021 को होगी। तो वहीं आपको बताएं कि शिक्षा विभाग की लेट लतीफी की वजह से राज्य के 4,000 से ज्यादा अभ्यर्थी अनुकंपा नौकरी के लिए भी परेशान है। सालों से सरकार और अधिकारियों की तरफ से सिर्फ तारीख मिल रही है, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है, जिसको लेकर अब नीतीश सरकार की काफी परेशानी बढ़ चुकी है। पटना हाईकोर्ट ने इस पर काफी गंभीरता दिखाई और साथ ही साथ 8 जनवरी तक इस बात पर अब नीतीश सरकार से जवाब मांगा है। तो वहीं आपको हम बता दें कि एनडीए की सरकार जहां 125 सीट के साथ बिहार में बनी, नीतीश कुमार फिर से सातवीं बार मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन जो रोजगार का मुद्दा है, जो रोजगार के मुद्दे पर काफी सियासत हुई इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में, वो अब तक कहीं ना कहीं विफल ही दिख रहा है। अब इस पर नीतीश सरकार क्या करेगी, क्या कुछ होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए नेशन न्यूज को। धन्यवाद।